वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के गार्ड ने दिव्यांग के साथ की बदसलूकी, धक्का देकर ट्रेन से उतारा, गार्ड के करतूत का वीडियो हुआ वायरल। भारतीय रेल यात्रियों को बेहतर सेवा और सुरक्षा देने का दावा करती है, लेकिन समस्तीपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर भारतीय रेल के इस दावे पर अब सवाल खड़े होते हैं। बता दें कि ये वीडियो सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की है। चलिए आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं। पानी का पहले नहीं चल सकते। अरे ठीक है, नहीं चाहिए तो पानी का पहले आप नहीं चल सकते हैं। क्या हम जाए लेके बहन ना हमारे पास अपने पानी का बोलने नहीं समझ में आ रही है। हम जाए नहीं होगा, तो देखा आपने किस तरह से भारतीय रेल में दिव्यांग के साथ बदसलूकी हो रही है। ट्रेन का गार्ड दिव्यांग व्यक्ति के कॉलर पकड़कर गाली गलौज करते हुए उसे ट्रेन से धक्का देकर उतारने की कोशिश कर रहा है। वहीं जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, तब इस मामले पर समस्तीपुर DRM विनय श्रीवास्तव ने कहा कि वीडियो उनके संज्ञान में भी आया है, जिस पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो हमारे संज्ञान में लाया गया है, जिसमें ये देखा गया है कि वैशाली एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर द्वारा शायद एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस मामले को हमने संज्ञान में ले लिया है और पहले तो हम इस प्रकरण में क्षमा प्रार्थी हैं कि ऐसी हमारे किसी भी यात्री को इस तरह की अव्यवस्था का माहौल झेलना पड़ा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं पूरे रेल प्रशासन की तरफ से। दूसरा, हमने 3 सहायक अधिकारियों की समिति का गठन कर दिया है, जो इसमें जाएंगे और दोष निर्धारण करके दोषी को उपयुक्त सजा दी जाएगी। कमेटी में सहायक परिचालन प्रबंधक, सहायक वाणिज्य प्रबंधक और सहायक सुरक्षा आयुक्त हैं। वैसे ये ट्रेन मैनेजर सोनपुर के हैं, तो हमने सोनपुर मंडल को भी इसकी सूचना दे दी है और जांच समिति की रिपोर्ट जैसे ही आएगी उसको भी हम देख के अपनी अनुशंसा के साथ सोनपुर मंडल में भेजते हैं। वहीं अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीडियो में दिखाई दे रहा दिव्यांग व्यक्ति रोसड़ा के थलिया गांव का रहने वाला है, जो समस्तीपुर स्टेशन पर वैशाली सुपर फास्ट ट्रेन से मुजफ्फरपुर जा रहा था। वहीं दिव्यांग के साथ दुर्व्यवहार कर रहे इस गार्ड की पहचान राम आशीष दास के रूप में की गई है। खैर, इस खबर में बस इतना ही और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।